रामनगरी अयोध्या में 36 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने अयोध्या के विकास की पूर्ण रूप से पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में रहने वाली अयोध्या, जिसकी खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि से मात्र 500 मीटर दूरी पर स्थित कॉलोनी जलवानपुरा है, जहां पर एक मंजिला तक पानी भर गया। लोगों के घरों में घरेलू उपकरण पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। लोगों ने शासन और प्रशासन को गुहार लगाई तो कार्रवाई के नाम पर भी मात्र खाना पूर्ति रही। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के विकास की मॉनिटरिंग खुद करते हैं। रामनगरी के जलवानपुरा में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मकान प्रभावित हैं। या यूं कहा जाए, सैकड़ों लोग इन दिनों हल्की सी बारिश में जलभराव की समस्या से परेशान हैं। हालात बेहद भयानक है। जलभराव की वजह से पूरी कॉलोनी की लाइट काट दी गई है और अब आम जनमानस मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। राहत के लिए प्रशासन की तरफ से देख रहे, हालांकि अयोध्या मंडल के कमिश्नर के द्वारा नगर निगम और जल विभाग के लोगों को मौके पर भेजा गया। पानी निकालने के लिए कवायद शुरू की गई, लेकिन अयोध्या में पड़ी हुई सिविल लाइन की पोल खोलती तस्वीरें आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। जानिए क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने और कमिश्नर नवदीप रिनवा ने। सर, मेरे घर में कम से कम थाई के ऊपर पानी है। सर, वजह क्या है? सर, ये तालाब जब से खुदा नहीं था तब तक तो ठीक ही था, पानी कभी इकट्ठा नहीं होता था, लेकिन जब से खुदा तब से और पानी इकट्ठा हो जा रहा है, सूख ही नहीं रहा पानी ये। और तालाबों में मकान बनवाने की वजह से और ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। आप लोगों को तब से ये जलभराव समस्या? सर, ये अभी 3-4 सालों से, इसके पहले नहीं था कभी भी। आज जब बारिश हुई है तब तक से ये कल मान लीजिए रात में 10 बजे से झेल रहे, पूरी रात सोए नहीं अभी तक। स्थिति तो इतनी भयानक है कि देख करके रूह कांप जा रही है। जिस हिसाब से 5 दर्जन से अधिक मकान जलमग्न हैं, एक एक तल्ला लोगों के पानी में डूबे हुए हैं, कल से यहाँ लाइट बाधित है, विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से, लोगों के पैदल आने जाने की तो छोड़ दीजिए, किस तरह से उनकी घर गृहस्थी पूरी हो रही है उन्हीं का दिल जान रहा है। देख करके हम लोग हस्तप्रभ हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि प्रशासन की उदासीनता इस लेवल पर हो जाएगी, इसके लिए हम लोग सोचे नहीं थे। ये समस्या आज विगत 2 वर्षों से बहुत जटिल बनी हुई है और 2 साल में सिर्फ ये कहने के लिए विकासशील अयोध्या है, लेकिन उसकी हकीकत आपके सामने है। ये जो जलवान मोहल्ले को बिरला मंदिर में जाके देखा था कि क्या स्थिति है, पानी वाकई काफ़ी भरा हुआ है। रात को उन्होंने बताया था कि कुछ घरों में भी घुस गया है, तो अभी नगरायुक्त से बात हो गई है। वरिष्ठ अधिकारी, मैंने बोला कि आप मौके पर आ जाएँ और हमारे पंप्स लगातार चलते रहें और जो बेस्ट हम कर सकते हैं इस परिस्थिति को निपटने के लिए वो लोग हम कर दें।